हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ रफीक है और आप देख रहे हो एजुकेशन हेल्पर। आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उस पर हमने क्या मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस हों, एन पॉइंट ऑफ चार्जेस हों, तो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, चार्ज के इर्द गिर्द वाली जगह, स्पेस इन विच अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसमें अट्रैक्शन कशिश वाली हो या रिपल हटा देने वाली फोर्स मौजूद हो, विद अदर चार्जेस जो अदर चार्जेस पर लगती है, टेक प्लेस जो हम लेते हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज पर। हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट लिया जिसे नाम दे दिया ओ का। हमने उस पॉइंट पर एक चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज क्यू, जिसे हमने पॉइंट चार्ज कहा। उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिया, इसके नज़दीक, वो है पी। हमने पी पॉइंट पर एक चार्ज रखा जिसे हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया, जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस जानम लग रही है। ठीक है, अब हम इस फिगर को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, कहता है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। हमने क्या किया, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड अ पॉइंट ओ, इज प्लेस्ड अ पॉइंट ओ कॉल्ड फील्ड चार्ज। हम इसे फील्ड चार्ज भी कह सकते हैं। नियरली प्लेस अ पॉइंट पी, नियरली प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, हैविंग डिस्टेंस, सॉरी जहां पर हमारे पास हैविंग आना था, हैविंग डिस्टेंस आर बिटवीन चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के दरमियानी फासला जो है, हमने उसे किससे डिनोट किया है, आर से। आर डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है दो चार्जेस के दरमियान। जी, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। के जो है यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, हमने क्या किया कि टेस्ट चार्ज को हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर से उठाकर इधर ले आते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया जी, F ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, F ओवर क्यू नॉट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हेयर एफ ओवर क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स डिनोटेड बाय ई वेक्टर, ई बार ई वेक्टर। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वी नो दैट, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब हमने इसकी लेनी है मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ले सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से, विच कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड इंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज, इंटर्स लिख लो या इंटर लिख लो, इनटू द नेगेटिव चार्ज, और इंटर होती है दाखिल होती है नेगेटिव चार्ज में। ओके, हम इससे क्या निकालेंगे, डायरेक्शन किसकी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारी बात कंप्लीट हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट
part of topic. Topic का जो last हिस्सा है, आखला हिस्सा है, वो हमारे पास क्या था कि electric field due to end charge हमारे पास क्या आएगी? अगर हमारे पास n charges हो तो उस वक्त हमारे पास electric field क्या होगी? हमने कहा कि the net magnitude of electric field, net mean का total magnitude, total को हम कैसे show करते हैं कि sum of all electric field intensity then give a electric field, net electric field, then give a net electric field. फिर हमारे पास क्या होगी? Net electric field आ जाएगी. तो हम इसे लिखते हैं the net magnitude electric field at point P, जो हमने point P लिया था, जहाँ पर हमने क्या रखा था? Test charge रखा था, Q not. Test charge हम क्यों use करते हैं? क्योंकि हमने charge की electric field मालूम करने के लिए हमें किसी charge की ज़रूरत होती है. तो हमने उसे नाम दे दिया test charge. अगर हम test charge उसके करीब लेकर जाएंगे तो फिर हमें electric field मालूम हो जाएगी, magnitude मालूम हो जाएगी. Okay? तो due at point P due to all charges, then हमें ये पता है कि net electric magnitude of electric field जो वो बराबर होती है sum of all electric field intensity E1, E2, E3 plus on EN. E is equal, हमें ये भी पता है कि electric field किसके बराबर है. यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि electric field जो है E is equal to KQ over R square के बराबर होती है. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी E1 है तो K charge 1 and R1 का स्क्वायर प्लस KQ2 over R2 का स्क्वायर प्लस KQ3 over R3 का स्क्वायर प्लस so on प्लस KQN over RN का स्क्वायर. दिस इक्वेशन कैन राइट इन समेशन फॉर्म. हम इसे लिख सकते हैं ना समेशन फॉर्म में, क्योंकि सम ऑफ ऑल करेंगे तो हमारे पास समेशन फॉर्म में हम लगा समेशन n नंबर ऑफ चार्जेस I इज इक्वल टू 1 KQI over RI का स्क्वायर. K जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्या हम इसे बाहर लेकर जा सकते हैं? तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया. E इज इक्वल टू K समेशन n I इज इक्वल टू 1 QI over RI का स्क्वायर. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू n चार्ज. ओके, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ. अगर आप ये वीडियो देखते हो, देखने के बाद आपको आपके माइंड में कोई स्केच बनता है तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट्स में बता सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.